या कर आबद हो गई या कर रास्ता। मेरे पाकिस्तानियों, पुलिस मुझे जेल में पकड़ने के लिए आ गई है बाहर, और उनका यह ख्याल है कि जब इमरान खान जेल में चला जाएगा तो कौम सो जाएगी। आपने इनको गलत साबित करना है, आपने ये साबित करना है कि जिंदा कौम है। ये मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे के ऊपर बनने वाली कौम है। आपने अपने हकूक के लिए, हकीकी आजादी के लिए आपने जदोजहद करनी और निकलना है बाहर। देखिए, इमरान खान को अल्लाह ने सब कुछ दे चुका है। मैं आपकी ये जंग लड़ रहा हूं, मैं तो अपनी सारी जिंदगी जंग लड़ी और लड़ता रहूंगा, लेकिन अगर मुझे कुछ होता है या जेल में जाता हूं या मार देते हैं, तो आपने ये साबित करना है कि इमरान खान के बगैर भी ये कौम जदोजहद करेगी। और ये बदतरीन गुलाम है इन चोरों की, और ये जो एक आदमी फैसले कर रहा है इस मुल्क के, ये कभी आप कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान से हमारा लाहम तो यही प्रोटेस्ट करना है, बाकी पीटीआई के पास लाहेव होएगा, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को अगर अभी भी नहीं निकलेंगे ना, इसी तरह जुल्म सहेंगे बाकी जिंदगी, कोई इनको बचाने वाला नहीं आएगा। खान साहब इनके लिए बोल रहे हैं, खड़े हैं, लड़ रहे हैं गरीबों के लिए, मस्कीनों के लिए, और इन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा। हर इदारे ने खान साहब के साथ जुल्म किया, और इसका इंशाल्लाह अल्लाह ताला तो देख रहे हैं, और अल्लाह इनसे बड़ा बुरा बदला देगा। तरक्की की फसल हम भी काट लेते, थोड़े से तलबे अगर चाट लेते, बस मेरे लहजे में जी हजूर न था, इसके अलावा मेरा कोई कसूर न था। अगर पल भर को भी मैं बेजमीर हो जाता, अगर पल भर को भी मैं बेजमीर हो जाता, यकीन मानिए कब का अमीर हो जाता। ऐसे ये बताओ कि ये तुमने काम क्यों किया है? हाँ, ये सर मैंने इसलिए किया है कि ये लोगों को गुमराह कर रहा था इमरान खान, और मुझसे ये चीज़ देखी नहीं गई, और मैंने इसको मार दिया। मारने की कोशिश की, पूरी मारने की कोशिश की कि मैं इसको मार दूँ, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को और किसी को। ये तुमने क्यों ये सोचा? ये मैंने सोचा उधर अजान हो रही है, उधर डक लगा के शोर कर। नहीं, ये तुमने अचानक को सोच के मेरे जमीन में ये चीज अच्छा नहीं माना। अचानक फैसले किए या पहले फैसला किया? दिन से, सुबह से, जिस दिन का ये लाहौर से चला उस दिन से मैंने ये सोची। जिस दिन से लाहौर से चला कि मैंने इसको छोड़ना है। नहीं, तुम्हारे पीछे कौन है जिससे ये सब? मेरे पीछे कोई नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारे साथ कितने लोग थे? कोई भी नहीं। जब तुम घर से आए हो तो कौन था तुम्हारे? सारे पाकिस्तानियों को मैं आज अपील कर रहा हूं कि अपनी हकीकी आजादी के लिए हमारी जेल भरो तहरीक में शामिल हो। यह दरअसल आपको उधर लेके जाएगा जिधर एक आजाद पाकिस्तान और एक खुशहाल पाकिस्तान बनेगा। वो तब आएगा जब एक रियासत आपके बुनियादी हकूक की हिफाजत करेगी। इसलिए ये जेल भरो तहरीक जो है, इसका मतलब ये है, ये एक जहाद का नाम है, एक आजादी का नाम है, और मैं चाहता हूं कि जितने भी आप में से इसमें शिरकत करेंगे, उतनी जल्दी हम अपने मकसद पर पहुंच जाएंगे कि अपने मुल्क को एक हकीकी तौर पे आजाद कर लें। मैं भी खाइफ नहीं तख्ताएदार से, मैं भी मंसूर हूं कह दो अख्तियार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को जहल की रात को, मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता, दीप जिसका महलात में ही जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को, मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता।
सकूं, तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून। अपना हम पर चलेगा तुम्हारा फसूं, चारागर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, चारागर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चारागर कोई माने मगर, मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता। फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो, इस खुले झूठ को जहन की लूट को, इस खुले झूठ को जहन की लूट को, मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता, इस खुले झूठ को जहन की लूट को, मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता। नहीं चार अगर कोई माने मगर, मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता। हेलो सलार, हेलो अमार, हेलो शहबार, बेटा पापा जल्दी आ जाएंगे। आपके पापा इस वक्त बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं इमरान खान के साथ मिलके, इसलिए परेशान नहीं होना, मैं बहुत जल्दी घर वापस आ जाऊंगा बेटा, बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है। मामा को भी तंग नहीं करना और दादी अम्मा को भी तंग नहीं करना, ठीक है, मैं बहुत जल्दी घर आ जाऊंगा बेटा, लव यू। सच कहूं तो मुझे ये उन्वान बुरा लगता है, सच कहूं तो मुझे ये उन्वान बुरा लगता है, जुल्म सहता हुआ इंसान बुरा लगता है। मेरे अल्लाह मेरी कौम को जिल्लत से निकाल, मेरे अल्लाह मेरी कौम को जिल्लत से निकाल, इतनी जिल्लत में मुसलमान बुरा लगता है। Enjoying this fight? Yes, because I think if I woke up and there was no challenge in my life, I would think it's the end of my life. जब तक आपका कप्तान खौफजदा नहीं तो आपको किसी से डर है? You only lose when you give up. He, a Muslim, a Muslim, is not born to give up. If he's forced to be enslaved, he'll become Babur. He'll emerge as Sultan Tipu. He'll happily embrace martyrdom, but he'll not accept slavery. मेरी सहेली कफस की तारीखियों से लिखे तुम्हारे खत ने लहू को बर्फा कर दिया है। मेरी सहेली कफस की तारीखियों से लिखे तुम्हारे खत ने लहू को बर्फा कर दिया है, सुखन को बेताब कर दिया है। मुझे खबर है कि जर्द शामों उदास रातों में कैसे कैसे सितम हुए हैं, मुझे खबर है कि जर्द शामों उदास रातों में कैसे कैसे सितम हुए हैं, सौबतों के अजाब सहते तुम्हारी आंखों में जख्म आंसू ठहर गए हैं, सौबतों के अजाब सहते तुम्हारी आंखों में जख्म आंसू ठहर गए हैं, तुम्हारे चेहरे पे सोगवारी की ये लकीरें बता रही हैं, तुम्हारे चेहरे पे सोगवारी की ये लकीरें बता रही हैं कि जबर व जुल्मत के कितने मौसम गुजर गए हैं, कि जबर जुल्मत के कितने मौसम गुजर गए हैं। मेरी सहेली ऐ बिनते हव्वा,
तुम्हें खुदा ने बहादुरी और वफा की मट्टी से गूंद कर भी जहां ने बेमहर में उतारा। मेरी सहेली ए बिनते हव्वा, तुम्हें खुदा ने बहादुरी और वफा की मट्टी से गूंद कर भी जहां ने बेमहर में उतारा। इसीलिए तो तुम्हारा किरदार अहद वहशी में हक की तारीख लिख रहा है। इसीलिए तो तुम्हारा किरदार अहद वहशी में हक की तारीख लिख रहा है। मेरी सहेली ऐ बिनते हव्वा, तुम अपने आका की बारगाहे यकीन में सुर्ख रू खड़ी हो। मेरी सहेली ऐ बिनते हव्वा, तुम अपने आका की बारगाहे यकीन में सुर्ख रू खड़ी हो। मेरी सहेली कफस की तारीकियों से लिखे तुम्हारे खत ने लहू को बर्फाक कर दिया है, सुखन को बेताब कर दिया है। मेरी सहेली ऐ बिनते हव्वा, मेरी सहेली ऐ बिनते हव्वा। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। खून मजलूम ज्यादा नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर बहुत दिन नहीं रहने वाला। खून मजलूम ज्यादा नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर बहुत दिन नहीं रहने वाला। इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा, इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा। तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा, तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा।